हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। पिनाकल पब्लिकेशन बुक सोल्यूशन की वीडियो आज मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। पिनाकल पब्लिकेशन बुक क्या होती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें दिए गए होते हैं। तो जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सारे इस बुक में दिए गए हैं, यानी कि एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन, एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन, सीपीओ के क्वेश्चन, स्टेनो के क्वेश्चन, सारे जो है वो इस बुक में दिए गए हैं। तो अगर एमटीएस के क्वेश्चन भी इवन दिए गए हैं। अभी सीएचएसएल देखिए 2023 अगस्त में जो पेपर हुआ था वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, सीजीएल सीपीओ में सॉल्व करा चुका हूँ, एमटीएस सॉल्व करा चुका हूँ। तो वो सारे लोग जो एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 126, 125 यानी कि 125 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। 126वें क्वेश्चन से आइए देखते हैं। लिखा हुआ है राधिका, राधिका के बाद लिखा हुआ है इज, राधिका सिंगुलर है इसलिए इज लिखा हुआ है। इसके बाद कैपेबल लिखा हुआ है, नॉट निगेटिव सेंस दे रहा है, कैपेबल लिखा हुआ है। कैपेबल के बाद ऑन लगा हुआ है, कैपेबल के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ऑन कैपेबल के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ ऑफ होना चाहिए, ऑफ एक पर तो गलती कहाँ है, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, है ना। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद क्या दिया गया है, ऑफ के बाद प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ये सही लिखा गया है। इन ए नेशनल लेवल चैंपियन, तो ए आर्टिकल आया है, आगे नाउन लिखा हुआ है इसलिए आर्टिकल ए का यूज हुआ है। यानी कि आपने देखा कि कैपेबल के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और दूसरा रूल ग्रामर का हमने ये बताया कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। आइए देखते हैं कैपेबल के बाद अगर ऑफ लगता है तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके बाद ऑफ का यूज करते हैं। जितनी मैं चीजें बता रहा हूँ वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है। इसलिए अगर आप हमसे पढ़ते हो तो हर उस क्वेश्चन के टच में रहोगे जो एसएससी के प्रीवियस ईयर के हैं, और हर उस रूल के टच में रहोगे जो एसएससी के प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, कैपेबल ऑफ का यूज करते हैं, डिप्राइव ऑफ किसी चीज से वंचित होना, सेल ऑफ ओ डबल एफ होता है, सेल ऑफ किसी चीज को बेच देना, गेट रिड ऑफ किसी चीज से छुटकारा पाना, बेरेफ्ट ऑफ किसी चीज से वंचित होना, सब पूछा गया है भैया, वेरी ऑफ किसी चीज से सजग होना, कॉशियस ऑफ किसी से सावधान होना, जैसे कि मॉर्टिन के पीछे लिखा होता है, ठीक है ना। क्योर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का इलाज होना, उपचार होना। केयर फॉर या अबाउट का मतलब किसी की देखभाल करना, ठीक है। लुक आफ्टर का भी मतलब देखभाल करना होता है। ध्यान देना कि लुक के साथ एट का यूज होता है, जब हम कहते हैं लुक एट मी तो लुक के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज होता है, ठीक है। एक होता है लुक इन टू, जैसे कहीं पे कोई मर्डर हो गया तो वहां पे जांच पड़ताल की जाती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो लुक इन टू होता है। लुक इन टू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। अच्छा, लुक इन टू के बाद आ जाएगा क्या, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब हमने बता दिया क्या, देखभाल करना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। एक होता है लुक अप टू, लुक अप टू का मतलब क्या होता है, लुक अप टू का मतलब होता है किसी की रेस्पेक्ट करना, ठीक है। और एक होता है लुक डाउन ऑन या अपान, ये भी आपके एग्जाम में सब पूछा गया भैया, लुक डाउन ऑन या अपान, लुक डाउन ऑन या अपान का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, ठीक है, किसी को नीचा दिखाना। जैसे दोस्त, चार दोस्त बैठे हुए हैं और एक कह रहा है कि अरे भाई तुमने तो हमारे साथ बहुत गलत किया, ये किया, बहुत भी पंचायत वाले दोस्त होते हैं ना, वही लुक इन टू का मतलब क्या हो जाता है, और लुक डाउन ऑन या अपान करते हैं यानी कि नीचा दिखाते हैं। जैसे रिश्तेदार जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक आपको नीचा दिखाते रहते हैं, पानी ले आओ, चाय ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, दुनिया भर की बवाल करते रहते, जैसे जॉब लगेगी सब कुछ बंद हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 27। द सन, सन के पहले आर्टिकल द लगा है, हमने ग्रामर का रूल बताया है आर्टिकल का, क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स हो उसके पहले आर्टिकल द लगता है, यानी कि सही लिखा गया है। रिवॉल्व, सन चूंकि सिंगुलर है इसलिए रिवॉल्व सही लिखा हुआ है। अराउंड ए अर्थ नहीं होगा, अर्थ भी क्या है, क्या है अर्थ, ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स है, और ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। अगर हमसे पढ़ोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और हर उस क्वेश्चन के टच में रहोगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं,
धीरे धीरे जितने भी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो, एक भी क्वेश्चन बता दो जो मेरा बताया हुआ ना आया हो। अभी मुश्किल से क्लास लेते 20 दिन हुआ है, ठीक है, इतने रूल्स मैंने बता डाले हैं कि आगे सारे रूल्स घूम घुमा के वही मिलेंगे, कुछ बाहर रूल आएगा ही नहीं कोई। ठीक, ध्यान दो। अब ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स के पहले आर्टिकल दा लगता है, जैसे कि द सन, जैसे कि द मून, ठीक है, जैसे कि द स्टार, जैसे कि द स्टार। ठीक, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पहले आर्टिकल दा लगता है, जैसे जैसे कि द रेड फोर्ट, लाल किला, जैसे कि ताजमहल, प्यार की निशानी। ठीक है, रिलीजियस बुक के पहले आर्टिकल दा रखता है, जैसे कि भगवत गीता, ठीक है, जैसे कि बाइबल, जैसे कि कुरान, जैसे कि रामायण। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के पहले आर्टिकल दा लगता है, जैसे कि बीजेपी। हमने कई बार ये रोज बताते हैं ये सब, और ऐसे रोज पढ़ो, इसको नहीं कि स्किप करते चले जाए, नहीं, इसको रोज पढ़ो ताकि ये चीजें आपके जहन में चली जाए, मतलब आपके दिमाग में चली जाए। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि द यूएन, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, डोंट कंपेयर, डोंट यूज आर्टिकल बिफोर द क्रिकेट। नेम ऑफ स्पोर्ट्स के पहले कभी आर्टिकल दा नहीं लगाना, ठीक है, तो द हॉकी नहीं होगा, हॉकी होगा, द फुटबॉल नहीं होगा, फुटबॉल होगा। कभी भी कंट्री के पहले आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं, द यूएसए, द चाइना नहीं, वो द इंडिया, द चाइना नहीं, लेकिन द यूएसए होता है, ठीक है ना। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पहले आर्टिकल दा नहीं लगता है, डेमोक्रेसी होता है। कभी भी द डेमोक्रेसी लिखा गया गलत हो जाएगा, द मोनार्ची लिख दिया गया गलत हो जाएगा, मोनार्की होगा। ठीक है, सीजीएल और सीपीओ में पूछा गया है और 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, ये भी बता दे रहे हैं हम आपको। नेम ऑफ डिजीज के पहले कभी आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है, तो द कलेरा नहीं होगा, कलेरा होगा। ठीक है, समझ में आया। आर्टिकल की इतनी भरमार में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल दा हमेशा यूज होता है, जैसे द पियानो, द हारमोनियम। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। आज हमको कराना है क्वेश्चन नंबर 135 तक, ठीक है, 10 क्वेश्चन। देखो भैया, वैन, जब सेंटेंस वैन से शुरू होता है तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि दो बार दो चीजें होंगी यहाँ पर। एक तो दो सेंटेंस जुड़ेंगे, एक ये सेंटेंस है मयंक केम और दूसरा सेंटेंस है आई शैल गो विद हिम टू द सर्कस। ठीक है, जब दो काम फ्यूचर में हो रहे हो, और जब दोनों दो काम फ्यूचर में हो रहे हो तो एक और, हाँ, जब दो काम फ्यूचर में हो रहे हो तो हम कैसे लिखते हैं उसे, वैन मयंक केम, जब मयंक आता आया नहीं, जब मयंक आएगा, आई शैल गो विद हिम टू द सर्कस, तो मैं उसके साथ सर्कस जाऊंगी, आएगा और जाऊंगी। पहले वाले सेंटेंस में आएगा आ रहा है, दूसरे वाले सेंटेंस में जाऊंगी आ रहा है, इसका हिंदी निकाल के ही लगाना है। ठीक है, यानी कि नहीं तो हिंदी नहीं निकालोगे ना, तो ये केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसे शुड कर दोगे, लेकिन यहाँ पे एक लोचा है, क्या है, वैन मयंक कम्स होगा। वैन से जब सेंटेंस जुड़ा हो, इफ से जुड़ा हो सेंटेंस, ठीक है, या प्रोवाइड से जुड़ा हुआ हो, इन सब से अगर सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि जिस अनटिल से जुड़ा हो, अनलेस से जुड़ा हो, तो जिस पार्ट के साथ ये जुड़े होंगे वो प्रेजेंट में होगा, दूसरा वाला फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो जिस पार्ट से जुड़े हैं वो कम नहीं होगा, केम नहीं होगा, कम्स होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ बताने का है नहीं। इन द कोर्स बाई टाइम, सही लिखा गया है क्या ये, एक फ्रेज होता है, इन कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, इन कोर्स ऑफ टाइम या ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है ड्यूरिंग, किसी चीज के दौरान, इसके लिए एक हम फ्रेज यूज करते हैं, इन कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग होता है, ध्यान रखना। ओवर कोर्स ऑफ टाइम का मतलब भी ड्यूरिंग होता है, इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब भी ड्यूरिंग होता है, दोनों का यूज होता है। यहाँ बाई का यूज नहीं होगा, ऑफ का यूज होगा। ठीक है, ये एक सेट फ्रेज है जिसे आपको कहीं कॉपी में लिख करके याद करते रहना चाहिए। ठीक है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये सारी चीजें डेली मिल जाती होंगी, लेकिन नहीं पढ़ रहे हो तो इस तरह से याद कर लो। ही के साथ वॉज लिखा हुआ है, वॉज के बाद वाइज लिखा हुआ है, वाइज पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और ग्रामर का रूल हम जानते हैं,
एनफ का यूज पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद करते हैं, ठीक है। टू रियलाइज, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। द मिस्टेक्स ऑफ हिज पास्ट लाइफ, ठीक है, ही के लिए अपने की मीनिंग हिज आई है। पास्ट लाइफ पुराने जीवन की बात कर रहा है, पास्ट लाइफ की बात कर रहा है, ठीक है। इतनी चीज अगर हो गई है तो मैं इसमें कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको, ठीक। 129 में आइए देखते हैं। हमने बताया एनएफ के पहले पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज एनएफ के पहले करते हैं। तो ऐसे लिखना, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, ठीक है, प्लस एनएफ। ये एक तरीका है, बहुत अच्छा। और इधर लिख लेना कंपेरेटिवली और सुपरलेटिव, वो रिलेटिवली, कंपेरेटिवली TIVELY और रिलेटिवली, रिलेटिवली, कंपेरेटिवली और रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का यूज होता है और एनएफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का यूज होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखना, एनएफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का यूज हुआ है। कभी भी एनएफ के बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं। जैसे एनएफ गुड नहीं होता है कभी भी, एनएफ गुड नहीं, गुड एनएफ, एनएफ गुड गलत होता है। सही क्या होता है? गुड एनएफ। क्यों? क्योंकि एनएफ का यूज एनएफ के पहले पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है। और कंपेरेटिवली और रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज करते हैं। कभी कभी कंपेरेटिवली बेटर दे दिया जाता है जबकि कंपेरेटिवली गुड होता है। समझ में आ रहा है कुछ? पल्ले पड़ रहा है कुछ जो मैं बता रहा हूँ? पढ़ तो रहा होगा जरूर। नहीं पढ़ रहा है तो आगे देखो, पल्ले पड़ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। आई लाइक माई पपीज, आई लाइक माई पपीज, जिनका नाम है, दो पपीज हैं, इनका नाम है मैक और मैट, ठीक है। दो पपीज हैं, आई लाइक माई पपीज, मैं अपने पपीज को पसंद करता हूँ, जिनका नाम क्या, मैक और मैट। बट आई लाइक मैट बेस्ट। दो की तुलना के लिए कभी बेस्ट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री का यूज दो से अधिक की तुलना के लिए किया जाता है। गलत हो गया ना, घरवाली बेइज्जती। आगे देखो, आई लाइक माई पपीज, मैक एंड मैट, बट आई लाइक मैट बेटर, कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। सही है यही। अच्छा और देख लेते हैं, आई लाइक मैट द बेस्ट गलत हो गया, मच गलत हो गया, मोस्ट गलत हो गया, ठीक है। सही क्या होगा? बेटर, ठीक है। और यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गुड की कंपेरेटिव डिग्री बेटर होती है, डिग्री बेटर होती है, और सुपरलेटिव बेस्ट होती है। पपीज से याद आया, कुछ वो नाउन होते हैं, देख लीजिएगा आप, लिटर ऑफ पपीज, कुत्ते के बच्चों का समूह, हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों का झुंड, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन के समूह को बैंड कहते हैं, डायरेक्टर के समूह को बोर्ड कहते हैं, लड़कियों के समूह को बेबी कहते हैं, वो बेबी नहीं, बेबी वो बेबी BABY होता है, ठीक है। जो आप लोग लिखते हो मैसेज में आई लव यू बेबी, ठीक है, सुनो बेबी, तो वो बेबी जो है BABY होता है, और यहाँ पे BEVY है। बेबी, बेबी का मतलब क्या होता है? गर्ल्स का समूह होता है, विमेन का समूह होता है, या ऑफिसर्स का समूह होता है, उसको बेबी बोलते हैं। अंगूर का गुच्छा, अंगूर खट्टे हैं नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं बोलते हैं ना, तो अंगूर के गुच्छे को बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं। या की, आपके घर पे चाबी होगी, एक किचन की चाबी होगी, एक बाहर वाले रूम की बड़ी बड़े ताले की चाबी होगी, एक तिजोरी की चाबी होगी, ठीक है ना। बेरोजगार के पास तिजोरी नहीं होती है, खैर, ठीक। फिलहाल तिजोरी की चाबी होगी, आने वाले टाइम में होगी, तो उसे बंच बोलते हैं। बंडल ऑफ स्टिक्स, गट्ठर के समूह को बंडल बोलते हैं। ये सब पूछा गया है, पूछा जाता है। मर्चेंट या पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब तीर्थ यात्री, के समूह को कारवा बोलते हैं। लोग चलते गए, कारवा बनता गया, बोलते हैं ना। स्टेयर्स या स्टेप्स को फ्लाइट बोलते हैं। सिप्स, जहाज, पानी वाला जहाज या मोटर कार के समूह को फ्लीट बोलते हैं। फ्लीट का मतलब होता है कारवां, ठीक है। फ्लॉक ऑफ गीज होता है, सीप्स होता है, फ्लॉक बर्ड्स होता है, गैंग्स ऑफ रॉबर्स होता है, ठीक है। इस तरह से इसे पढ़ लेना। हर्ड ऑफ कैटल तो बता ही दिया, लीटर ऑफ पपीज भी हो गया है, ठीक। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 131।
देखिएगा क्या है, द कंपनी, कंपनी सिंगुलर है, वाज लिखा हुआ है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ये स्यू, स्यू का मतलब होता है किसी पर मुकदमा कर देना, और स्यू के साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज होता है, और इसकी थर्ड फॉर्म आई है सूट। फॉर, स्यू के साथ फॉर आता है, लगा हुआ है। ब्रीच का मतलब होता है किसी चीज का उल्लंघन करना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका उल्लंघन उसने कर दिया, तो कंपनी के ऊपर मुकदमा हो गया है, ठीक है। बट इट स्टिल, ये सेंटेंस वाज में लिखा, इसका मतलब पास्ट में लिखा है, तो यहां पे डिनाई नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, डिनाइड। वैसे भी डिनाई गलत लिखा हुआ है क्योंकि इट सिंगुलर है तो डिनाइज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ वाज लिखा हुआ है इसलिए यहाँ डिनाइड होगा, पास्ट में होगा, एनी रॉन्ग डूइंग, ठीक है। बात समझ में आ गई, आगे देखना। सो के साथ फॉर का यूज करते हैं, हमने बता दिया। ब्रीच का मतलब किसी चीज का उल्लंघन करना, ध्यान देना आप यहाँ पर। टू सू समबडी फॉर डैमेज, कोई डैमेज हो गया है, आपकी गाड़ी खड़ी थी और ये देखो आपकी बाइक, यहाँ स्कूटर है, ठीक है, चलो बना दिया गया स्कूटर ही है ये खड़ा हुआ है, और यहाँ है पापा की परी, इसने ला के इस तुम्हारे स्कूटर में साइड में ठोक दिया, डैमेज हो गया, तो बोलोगे आई विल सू फॉर डैमेज, आई विल सू यू फॉर डैमेज, ठीक है। टू सू समबडी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने, ब्रीच करने के लिए किसी पर मुकदमा करना। ब्रीच का मतलब होता क्या है, ब्रीच का मतलब होता है नॉट केप्ट ए प्रॉमिस, ये भी इसका मतलब होता है। वायलेशन और इन्फ्रिंजमेंट भी इसका मतलब, इसका साइनोनिम्स होता है। यहाँ वर्ड आया था स्टिल, ठीक है, तो आप देख लो एट का यूज जो है, एट का यूज कई तरह से होता है, ठीक है, ध्यान दो। अब येट एक प्रकार का एडवर्ब होता है, येट एक प्रकार का एडवर्ब होता है। जब हम बोलते हैं ही हैज नॉट अराइव्ड येट, इसका मतलब वो अभी तक नहीं पहुंचा है। येट जब एडवर्ब होता है तो इसका मतलब मीनिंग होता है अभी तक, और ये सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है, ठीक है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम होता है और एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। इस यही वजह है कि एगो एडवर्ब ऑफ टाइम है, सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। दूसरी बात, जब येट एडवर्ब होता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, लेकिन येट एक प्रकार का कंजंक्शन भी होता है जिसका मतलब होता है फिर भी, ठीक है। ही वर्क हार्ड येट ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया परंतु, लेकिन वो फिर भी वो फेल हो गया, ठीक है, तो येट का यूज करते हैं। येट का यूज निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है अगर येट एडवर्ब है, और स्टिल का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। इसका जो एरर है ये इसी सीपीओ या सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था, ये लास्ट टाइम जो हुआ है एग्जाम, और हमने इसके क्वेश्चन को सॉल्व कराया है इससे पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के बाद इज लिखा हुआ है, बेस्ट के पहले आर्टिकल द आएगा क्योंकि बेस्ट एक प्रकार का सुपरलेटिव डिग्री है। इसमें कोई बहुत ज्यादा जानना नहीं था, लेकिन कुछ प्रोवर्ब्स हैं जिनको आपको जानना जरूरी है, और जिनकी हिंदी मीनिंग, जिनकी मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, रोज बोलने के लिए बोलता हूं लेकिन कोई करता नहीं है। ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्न, ठीक है, कमाया हुआ धन जो है वो आपकी सेविंग्स होती है एक तरह से। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। ये एज इट इज प्रोवर्ब है जिसे हमें याद कर लेना चाहिए। ए बर्ड इज हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ये सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। और एक याद कर लेना, स्टिल वाटर, स्टिल वाटर्स रन डीप, ठीक है, गहरा जल शांत होता है। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं, 135 तक हमें कराना है। 133 क्या है, द करंट स्टेज ऑफ लिटरेचर ऑन द इफिकेसी ऑफ होता है भाई, ऑन द इफिकेसी ऑफ, ये लिख लेना, ऑन द इफिकेसी ऑफ होता है। ये सेट फ्रेज कहीं लिखते रहना, जैसे हमने बताया इन कोर्स ऑफ टाइम है ना, वैसे ऑन द इफिकेसी ऑफ, ये सारी चीजें याद करते रहना, इसमें बहुत कुछ बताने को है नहीं, ठीक है।
ये भी क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं ऑन द एफिकेसी ऑफ से 134 में बहुत कुछ बताने को है, मैं बताऊंगा भी। द रिच शुड हेल्प द पुअर होगा, क्यों? क्योंकि ध्यान देना आप, यहाँ द पुअर होगा। अब आप बोलोगे कि एडजेक्टिव है पुअर, एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल द लगता है क्या? हमने तो सुना था कि नाउन के पहले आर्टिकल द लगता है, तो कभी ऐसा भी होता है क्या कि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाए? जी हाँ जनाब, होता है ऐसा। कब होता है आइए देखते हैं। एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल द लगता है, लेकिन इसका सेंस कुछ अलग हो जाता है। जब भी पुअर के पहले आर्टिकल द लगेगा, पुअर का मतलब गरीब, लेकिन द पुअर का मतलब गरीब लोग, ठीक है? तो सावधानी क्या बरतते हैं, कभी कभी एग्जाम में द पुअर्स करके एरर दे दिया जाता है, ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाकर इसको बनाया था पूरा प्लूरल, तो फिर प्लूरल क्यों लगाएंगे? द पुअर का मतलब जब गरीब लोग होता है भैया, तो पुअर्स क्यों करेंगे उसे? गरीब लोग का मतलब प्लूरल हो गया, अब उसे और ज्यादा प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। होशियारी मन गाठिएगा। द रिच का मतलब अमीर लोग, तो द रिच मत कीजिएगा कभी। द ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत लोग, ठीक है? चाहे विमेन हो चाहे गर्ल्स हो, जो खूबसूरत हैं, खूबसूरत लड़कियां ढेर सारी हैं, तो वो हो जाएंगी द ब्यूटीफुल। आगे देखते हैं हम, सूड आया है ना, तो मैं देख लेता हूँ कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बता देता हूँ। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इसके बाद कभी भी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है, ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, ठीक है? यूज ऑफ लेट कैसे बता रहे हैं, यहाँ पे लेट कहीं दिया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक। क्वेश्चन नंबर 134 हो गया क्या? 134 ही था, चलो 135 देख लेते हैं। 135 क्या है? ही वॉज दैट एंग्री दैट ही स्लैम्ड द बुक ऑन द टेबल। स्लैम्ड का मतलब खूब तेजी से पटक देना, ठीक है? जैसे बात करते टाइम जब गुस्सा आती है तो आप मोबाइल फोन पटक देते हो, ठीक? बाद में पछतावा होता है कि अब बात कैसे होगी। ही वॉज, ही के बाद वॉज लिखा हुआ सही है। दैट दैट नहीं होता है, सो दैट का यूज करते हैं। सो और दैट के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करते हैं, एंग्री। तो यहाँ दैट नहीं होगा, दैट दैट नहीं होगा, सो एंग्री होगा यहाँ पे, ठीक है? तो ध्यान रखना कि यहाँ पे दैट एंग्री नहीं, सो एंग्री होगा। एक होता है स्लैम, स्लैम का मतलब तेजी से किसी चीज को उठाकर पटक देना, ठीक है? ऐसा नहीं कि अभी हम बोल देंगे उठा के पटक देंगे तो इसका मतलब स्लैम्ड हो जाएगा, ठीक है? कोई चीज खूब तेजी से रख देना, ये होता है। सीजल, सीजल का मतलब जो है वो एसएससी सीजल में पूछा गया, तो मैं बता दूं आपको, सीजल अच्छे से कायदे से आपने दाल बनाई होगी, रूम लेकर के रहते होगे। अब रूम में जब दाल बनाई आपने, तो एक लिया होगा तड़का पैन, ठीक है? या तड़का पैन अगर नहीं है तो भगोना लिया, और उसमें तेल डाला। तेल डालने के बाद आपने डाला जीरा, जीरा डालने के बाद आपने डाला क्या, टमाटर, और डाल करके उसको छौंका लगाने जा रहे हैं, ठीक है? छौंकने जा रहे हैं, तड़का लगाने जा रहे हैं। तो इतना डाल करके टमाटर को बढ़िया से मिलाया, और जब मेल्ट हो गया टमाटर, तो उसके बाद दाल को डाल दिया। ये जो आवाज निकलती है ना छन छन की, यानी कि तड़के वाली आवाज, उसी सीजल बोलते हैं, ठीक है? आपने तेल डाला, तेल में जैसे ही मिर्ची डाला, तो जो आवाज आती है वो होता है सीजल। सो दैट से याद आया था मुझे, एज एज, सो एज, टू टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सो दैट, इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है? एज का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में भी करते हैं और निगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं, जबकि सो एज का यूज सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। यही इतना रूल है ग्रामर का, इससे ज्यादा कुछ रूल इसमें है नहीं। जितनी चीजें बता दी गई हैं आज, खूब ढेर सारी चीजें आज आपको बताई गई हैं, ठीक है? ग्रामर के रूल्स बहुत सारे बताए गए हैं, एट स्टिल का रूल बता दिया गया आपको,
बैंड्स ऑफ म्यूजिशियन, इस तरीके से ये सारी चीजें बता दी गई, ग्रुप्स के नाम बता दिए गए, आर्टिकल बता दिया गया आज, प्रीपोजिशन ऑफ से रिलेटेड ढेर सारे प्रीपोजिशन बता दिए गए, हमने कल भी प्रीपोजिशन बताया था, यानी कि इतनी चीजें आपको बता दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 135 तक आज कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता हो कि इसे लाइक कर देना चाहिए तो उसे लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक जब कर देते हो ना तो यूट्यूब और लोगों तक मेरी वीडियोस को भेजता है, ठीक है? तो इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को लाइक कर दिया करो। पेड कोर्स में भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जिस हिसाब से आपको इतना डेडिकेशन के साथ और इतने डिटेल के साथ आपको बताया जा रहा है, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।